हेलो गाइस, राम राम, नमस्ते। सिया की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे झटपट बनने वाला आलू प्याज की सब्जी, जिसके लिए हमको चाहिए होगा आलू, बारीक कटा हुआ प्याज और 2 बारीक कटी हुई मिर्च। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे जीरा और हींग। ऑयल में जीरा अच्छे से भुन गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालेंगे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम आलू डालेंगे। अब मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे और अच्छी तरह सब्जी को चलाएंगे। आलू और मसाले को मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने सब्जी में नमक डाल दिया है, अब इसको नमक को मिला के ढक के पकाएंगे। जब आलू पक जाएगा तो इसको धनिया से सजा देंगे। अब हम इसको ढक के आलू को पकाएंगे, बीच बीच में चेक करेंगे कि आलू पका है कि नहीं। आंच को स्लो रखेंगे। अब प्लेट हटा के चेक करेंगे आलू गला कि नहीं। आलू को थोड़ा करछी से ऐसे कट करके चेक करेंगे, आलू गल गया है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, हरी मिर्च और अच्छे से भूनेंगे आलू को। अब डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। झटपट से बनने वाली आलू प्याज की सब्जी तैयार है। अब हम इसको पूड़ी या पराठे के साथ पे सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।